हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि खास करके क्लास 9th और 10th में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इस टॉपिक का नाम है रैशनलाइजेशन। क्या नाम है? रैशनलाइजेशन। तो ये कब यूज़ आता है और इसे कैसे करते हैं वो हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखेंगे, लेकिन इसका रीज़न, इसको कब यूज़ में लिया जाता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक रीज़न लिखा है। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक रीज़न, उसको हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, वेन एवर यू सी रूट इन डिनोमिनेटर रैशनलाइज इट बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाला एक्सप्रेशन मिले या कोई भी रूट वाला नंबर मिले तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक मेन चीज़ आई है, हमें उसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज करना होता है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं और उनके कॉन्जुगेट लिखे हैं। जैसे a प्लस बी का कॉन्जुगेट होता है a माइनस बी, रूट थ्री प्लस रूट टू का कॉन्जुगेट होता है रूट थ्री माइनस रूट टू, रूट फाइव माइनस थ्री का कॉन्जुगेट होता है रूट फाइव प्लस थ्री। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सप्रेशन के अपोजिट साइन वाला ही उसका क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे कि रैशनलाइज कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रैशनलाइज वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू। अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? इसको रैशनलाइज करने के लिए आपका जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको क्या करना होगा? उसको न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना होगा, उसको नहीं, उसके कॉन्जुगेट को। ओके, जैसे यहाँ पे रूट थ्री माइनस रूट टू था तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट थ्री प्लस रूट टू। तो उसको आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसका कॉन्जुगेट उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू था, रूट थ्री माइनस रूट टू का कॉन्जुगेट रूट थ्री प्लस रूट टू होता है, उसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर रूट थ्री प्लस रूट टू जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे रूट थ्री माइनस रूट टू मल्टीप्लाई होगा किससे? रूट थ्री प्लस रूट टू से। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक माइनस वाला टर्म दिख रहा है और एक प्लस वाला टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a किसका काम करेगा? रूट थ्री का, और b का काम कौन करेगा? रूट टू। तो रूट थ्री माइनस रूट टू जब मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री प्लस रूट टू से तो वो बनेगा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री मतलब रूट थ्री का स्क्वायर हमें दो बार रूट थ्री मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा थ्री, क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट रूट कैंसिल हो जाएंगे और वहाँ पे आ जाएगा थ्री। वैसे ही रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टू। ओके, तो यहाँ से थ्री माइनस टू क्या आ जाएगा? वन। इसका मतलब जब रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा वन। इसका मतलब वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा रूट थ्री प्लस रूट टू। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सिंपल था। अब यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर में भी एक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी एक एक्सप्रेशन है। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसका कॉन्जुगेट हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो टू रूट टू माइनस रूट फाइव हमारा डिनोमिनेटर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? टू रूट टू प्लस रूट फाइव, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब न्यूमरेटर में रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई होगा टू रूट टू प्लस फाइव रूट फाइव से, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? टू रूट टू माइनस रूट फाइव मल्टीप्लाई होगा टू रूट टू प्लस रूट फाइव से। अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो आपको फिर से दिख रहा होगा, ये है हमारा a माइनस बी और ये है हमारा a प्लस बी। तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a यहाँ पे टू रूट टू है
और बी हमारा रूट फाइव है, तो टू रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा। तो टू रूट टू का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले टू का स्क्वायर होगा जो कि फोर होता है, मल्टीप्लाई बाय रूट टू का स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू, तो वो उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डॉट के डॉट से डिनोट किया है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके बाद माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या होता है, फाइव होता है। तो यहाँ से फोर इंटू टू एट माइनस फाइव, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थ्री। इसका मतलब हमारे डिनोमीटर में क्या आने वाला है, हमारे डिनोमीटर में आएगा थ्री। अब बचा हमारा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में हमें रूट थ्री प्लस रूट वन को मल्टीप्लाई करना है टू रूट टू प्लस रूट फाइव से। तो सबसे पहले ये जो रूट थ्री है ये टू रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, ओके। उसके बाद ये रूट थ्री इस रूट फाइव से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये वन इस टू रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये वन इस रूट फाइव से मल्टीप्लाई होगा। तो जब रूट थ्री इंटू टू रूट टू होगा तो टू तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट थ्री और रूट टू मल्टीप्लाई होकर रूट सिक्स बन जाएंगे। प्लस रूट थ्री और रूट फाइव, जब भी दो नंबर रूट में होते हैं तो रूट लग के वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो रूट थ्री इंटू रूट फाइव क्या हो जाएगा, रूट फिफ्टीन। प्लस वन इंटू टू रूट टू, वो तो टू रूट टू आएगा क्योंकि वन से जो भी मल्टीप्लाई होता है सेम आंसर आता है। प्लस वन इंटू रूट फाइव आ जाएगा रूट फाइव, ओके। अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसे हम प्लस या माइनस कर सकें, तो ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम रहेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये थ्री जो हमारा डिनोमिनेटर था वो आ जाएगा। इसका मतलब जब हम जो हमारा एक्सप्रेशन था रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू माइनस रूट फाइव को रैशनलाइज करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा टू रूट सिक्स प्लस रूट फिफ्टीन प्लस टू रूट टू प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स आज का इतना ही सेशन था, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गए हों तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखे हैं जो आपको सॉल्व करना है, और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको पसंद आया हो। इसके अलावा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं जिससे आपका फ़ायदा हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।